बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट है नाज शाह, उन्होंने नामूस रिसालत का मामला बरतानिया की पार्लियामेंट में उठाया है, हो ये रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पेश किया जा रहा है कि जिसके तहत अगर मुजस्मों को कोई शख्स नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अब इस कानून की बात हो रही है और इसी हवाले से नाज शाह ने कहा कि जी अगर ये मुजस्मों के हवाले से इस तरह का कानून आ सकता है तो जो 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जब उनके दिलों पर इस तरह से ठेस पहुंचाई जाती है, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम काबिल मोहब्बत हस्ती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान के ख़िलाफ़ जब बात की जाती है तो उस पर क्यों नहीं कोई कानून साजी की जाती। तो ये अब बात हो रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह करे कि बरतानिया में चीज़ हो, फिर पूरे यूरोप में हो, क्योंकि हम देखते हैं कि होलोकॉस्ट के हवाले से तो कवानीन मौजूद हैं कि जी आप ये बात नहीं कर सकते कि जी कत्लेआम हुआ नहीं हुआ हिटलर के दौर में यहूदियों का, तो उस लिहाज से इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये बात इमरान खान साहब भी कई दफ़ा उठा चुके हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पर बात कर चुके हैं। तो असद खरल साहब, ये बड़ी अच्छी बात है और इसको बुनियाद बनाकर जिस तरह इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं जी OIC के प्लेटफॉर्म से सबको इकट्ठा करना चाहिए, अभी सफीरों को भी बुलाया कि सब मिलकर ये बात करें और ये चीज़ लेकर आए कि इंटरनेशनल एक हो, ये इस्लामोफोबिया जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की नाफी बात की जाती है, कभी कुरान की बेहरमती, तो इसको काबिल सजा जुर्म इंटरनेशनली होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही होना चाहिए। देखिए ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कानून एक इंटरनेशनल जिस तरह आपने बात की कानून होना चाहिए कि तमाम अंबिया इकराम जो हैं और आसमानी जो किताबें हैं उसके हवाले से उनकी जो अगर गुस्ताखी करेगा कोई भी बेहुमती करेगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। अब देखें ना, एक मुजस्मों के हवाले से आप 10 साल कैद रख रहे हैं और आपके आपने भी क्रिश्चियन में जिस तरह उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके भी नबी हैं, बाकी जो मज़ाहब हैं तो सब मज़ाहब के जो अंबिया हैं या आसमानी जो किताबें हैं उसकी जो बेहरमती होती है क्या उसके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए? ये तो एक हिपोक्रेसी है ना कि आपने मुजस्मों के हवाले से भी आपको 10 साल सजा है और हमारे जो अंबिया इकराम है, हमारे नबी हैं या किसी भी मजहब के जो उनके नबी हैं बुजुर्ग हैं या जो जिनको वो पैरोकार हैं जो उनके जो फॉलोअर हैं, देखिए इसका मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि दिल आजारी ना हो, किसी की भी दिल आजारी ना करना। इसके अंदर भी पर्पज़ यही है कि मुजस्मा तोड़ने से भी किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करने की बात है ना, तो इसलिए कि ताकि मुजस्मा किसी का अगर उनके किसी भी चाहने वाले का आप तोड़ेंगे तो उनका दिल आजारी होगी। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिनकी आपने बताया 1.5-2 अरब मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या उससे दिल आजारी नहीं होगी उस 2 अरब 1.5-2 अरब लोगों की? तो उसके लिए भी जो बरतानवी जो रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने जो बात बड़ी ये ज़बरदस्त उठाई है कि आप वहाँ के तो 10 साल कैद रख रहे हैं तो यहाँ उनके हवाले से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये लेजिस्लेशन में लाएँ और ये बरतानिया की पार्लियामेंट लाती है तो इससे बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी पूरी दुनिया में। वहाँ पे मुसलमान जो हैं, जो एक इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों को जो दीवार से लगाने की बात की जा रही है, ये हिपोक्रेसी की बात की जाती है, तो बरतानिया को इस हवाले से बढ़ के आगे आना चाहिए। कनाडा के अंदर बहुत जिस तरह जस्टिन ट्रूडो हैं वो बहुत मुसलमानों के हवाले से कनाडा की बात की, अभी हाल ही में जो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि पूरे ख़ानदान को कुचल दिया गया कनाडा में, उसके बाद उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया है, जस्टिन ट्रूडो ने माना, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी ये इमरान खान ने भी कहा कि आपने जोड़ दिया दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, आपने इंतहा पसंदी को एक्सट्रीमिज़म को इस्लाम से जोड़ दिया, हमेशा नाम लेते थे जी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, लोगों के जहनों को आपने इस तरह से बना दिया, खुद लीडर्स ने इस तरह बना दिया कि जी इस्लाम जो है ना वो कुछ खुदा न खास्ता को गलत और इस तरह से, और अब आप ये आप ही हैं कि इसके लिए लेजिस्लेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उस तरफ नहीं आ रहे ये लोग। उसामा साहब, यही चीज़ें जो हैं ये आज नाज शाह ने अपनी बहुत ही जज्बाती तकरीर में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ें की हैं। वो लेबर पार्टी की पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तानी नजाद है, बरतानवी नेशनलिटी होल्डर हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो मुजस्मे इनकी क्या हैसियत है,
मैं ये पत्थर के टुकड़े हैं, ये इनको तोड़ने से ना इनको कोई तकलीफ पहुंचती है ना ये कुछ कह सकते हैं, आप इनको तोड़ दें इनके टुकड़े कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौंका ये विंस्टन चर्चिल जो है उसका मुजस्मा है, या फिर ये ओलिवर क्रॉमवेल का मुजस्मा है, या बर्नार्ड शॉ का मुजस्मा है, जिससे बरतानिया के लोगों की अटैचमेंट्स हैं, लोगों के ये हीरोज़ हैं, और इनके अगर मुजस्मे तोड़े जाएँ तो लोगों के जज्बात जो हैं वो उभार आ जाता है उनमें, और इसलिए कि लोग इमोशनली उससे अटैच हैं इन मुजस्मों से, तो इनको अगर तोड़ा जाए तो लोगों के जो जज्बात हैं वो उनके साथ खेला जाता है, वो दुखी महसूस करते हैं, लिहाजा 10 साल की सज़ा रखी जाए जो इनके मुजस्मे ये मुजस्मे तोड़े। दूसरी तरफ मुसलमानों की सब शदीद अटैचमेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम उनके हमारे नज़दीक वो हमारे हीरो हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे हमारे लिए सब कुछ है वो। तो जब बरतानिया में या यूरोप में कोई इस तरह के ब्लास्फेमस कार्टून्स आते हैं तो हमारे जज्बात जो हैं वो भी मुंतशिर होते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह के कोई कार्टून बनाए या छापे, ये हमारे लिए गैरत का सवाल है। तो मुजस्मों पे फिर आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो हमारे हीरो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल हैं, हमारी जिंदगियों का मेंबर है, अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो वो फिर वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बड़ी इम्प्रेसिव तकरीर थी, बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, जज्बाती तकरीर थी, उन्होंने उसमें बेताशा मिसालें दी, देखिए बरतानिया की मिसालें दी कि बरतानिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जो लीडर थे, जैसे बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत जो है वो डिक्लेयर किया, तो उनके अपने जो राइटर्स थे उनका मिसालें दे के उन्होंने साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सब कुछ है, तो हम कोई ऐसी ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप मुजस्मे तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से यहाँ पर बात कर रहा था, इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी मूल की सांसद हैं नाज़ शाह का आपको बता दूं पाकिस्तान से हैं ये, इनके फादर वहाँ जाकर माइग्रेट हुए थे, इनसे अच्छी खासी उर्दू आती है, और ये बहुत मतलब पुअर बैकग्राउंड से थी और ये वहाँ पर जाकर सांसद बन चुकी हैं। तो ये वही बात कर रही हैं जो पाकिस्तान के लोग बात करते हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, चाहे विदेश में हो चाहे आप कहीं पर हो, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं निकल सकती। तो दोस्तों वैसे तो आपको पता होगा कि आप इंग्लैंड की सांसद हैं तो इंग्लैंड के पक्ष में बात करेंगे, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि जो इस्लामिक और पाकिस्तानी के पक्ष में होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मतलब नाज़ शाह हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि ये पाकिस्तान से हैं और काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से थी ये। तो पाकिस्तान जो है, ये मैं आपको मोहम्मद बिन सलमान की पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि हदीसों को लेकर ये कुछ बदलाव कर सकते हैं, हदीस और जो ऐसी हदीसें जो काफिरों के खिलाफ हैं, काफिरों को मारने की बात करती हैं, उनको अपडेट करेंगे, वो इस ज़माने के हिसाब से नहीं बनी है, इनने बोला। और ये हदीस और कुरान में डिफरेंस है, कुरान जो प्रॉफिट मोहम्मद जब जिंदा थे तब लिखी गई थी, और हदीस जब उनके मतलब जाने के बाद लिखी गई थी, 280 साल तक लिखी गई, मतलब बहुत सारी हदीस हैं जो उनके जाने के बाद लिखी गई, तो उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, और बहुत जल्द शायद हदीसों को लेकर कुछ अपडेट आ जाए और हदीसों में कुछ बदलाव हो जाए। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान कोई प्रदर्शन या धरना कर ही नहीं रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए। ये लोग तो फ्रांस के खिलाफ गर्दन काटने पर निकल आते थे, फ्रांस के खिलाफ आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके का प्रदर्शन हुआ था, भारत में भी हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था, स्पेशली बांग्लादेश भारत में तो हुए थे, पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा मतलब हिंसक हो चुके थे। तो ये लोग मतलब कोई कमेंट पास ही नहीं कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को लेकर, इनको क्या डर लगता है क्या सऊदी अरब से? आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया में सैयद जो प्रॉफिट मोहम्मद का कबीला है उसकी एक ही खानदान है वहाँ पर, एक खानदान केवल। लेकिन अगर आप भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ खानदान मिलेंगे आपको। आरिफ मोहम्मद साहब जो अभी आप जानते हैं, आरिफ मोहम्मद साहब एक इंडिया के बहुत बड़े मुस्लिम थिंकर हैं,
उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इतने सारे सैयद हैं, वहाँ सऊदी अरब में एक ही सैयद मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 करोड़ ख़ानदान मिल जाएंगे। तो ये लोग कुछ हिस्ट्री या ऐसी चीज़ों को मानते ही नहीं है, ये अपनी जिद के सामने किसी की सुनते ही नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्या लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।